शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, खाम में अगर बकरी नज़र आए जान लो कि आपके रिज़क में बरकत होगी। बकरे का गोश्त हफ्ते में एक बार खा लो तो बूढ़ा भी जवान हो जाता है। मिस्री खाने से याददाश्त तेज़ होती है। करेले की सब्ज़ी का रस पियो, सेहतमंद रहोगे। एक सांस में पानी पीने से सीने में दर्द का प्रॉब्लम हो सकता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, सब्र करने से कोई मुसीबत भी बाकी नहीं रहती, बेसब्री करने वाले पर कोई अजर व सवाब नहीं मिलता। कच्चा लहसुन खाओ, दिल मजबूत होगा। नहारमो खुशबू वाली चीज़ सूंघने से इंसान जवान रहता है। सदका ज़्यादा दिया करो, इससे तुम्हें रिजक मिलेगा। नहारमो खीरा खाने से मोटापा कम हो जाता है। बाजरे की रोटी इंसान को हमेशा जवान रखती है। जिन लोगों की निगाह कमज़ोर है उन्हें शलजम का इस्तेमाल करना चाहिए। नाजरीन, पानी में अरके गला मिला कर पिया करो, चेहरा हमेशा जवान रहेगा। सुबह निहारमो नीम गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से गुर्दों की तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। हरीड का मुरब्बा दूध के साथ खा लेने से इंसान का मोटापा कम हो जाता है। सर के बाल सफ़ेद होने लगे तो नहाते वक्त सर पर एलोवेरा लगाने से सर के बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे। रोज़ाना एक छोटी इलायची ज़रूर खा लिया करो, इससे बहुत सी बीमारियों से बचे रहोगे। नीम गर्म पानी से नहाने से बदन में खून तेज़ी से गर्दिश करने लगता है। 5 चीज़ें ऐसी हैं जो दोबारा गर्म करने पर जहरीली बन सकती हैं। अंडे, चावल, खाने का तेल, मुर्गी का सालन और आलू। खुशक खुबानी हाजमे के निज़ाम को तेज़ करती हैं, खून की कमी ख़त्म करती हैं। खुबानी हड्डियों और जोड़ों के दर्द में मुफीद है। नाजरीन, बलगम खारिज करनी है तो अंजीर खाएँ। ज़्यादा घी वाली चीज़ें खाने से गले में इन्फेक्शन हो सकता है। रात को बच्चा सोता ना हो तो बच्चे को शहद चटाएं। कोई जहरीला कीड़ा काट ले तो हल्दी इस जगह पर लगाने से जहर का असर ख़त्म हो जाता है। एलोवेरा में हल्दी शामिल करके चेहरे पर लगाने से दाने ख़त्म हो जाएंगे। तवे पर नमक लगाने से रोटी नहीं फटती। धूप में निकलने से रंग सांवला पड़ जाए तो अंगूर का रस चेहरे पर लगा लें। नाजरीन, शकरकंदी खाया करो, इससे सर के बाल काले रहेंगे। अंजीर खाने से बंदे के अंदर की कमज़ोरी और सुस्ती ख़त्म हो जाती है। मैदे की जलन में खजूर दूध में डालकर पी जाएं, जलन फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। सोते वक्त दूध में रोगने बादाम डालकर पीने से कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। जो लोग मसलसल डिप्रेशन में रहते हैं इनके चेहरे पर झुर्रियाँ जल्दी पड़ने लगती हैं। शलजम के पत्तों का पानी पिया करो, इससे कभी ब्लड प्रेशर गैर मतवाजन नहीं होगा। चेहरे पर केला रगड़ने से चेहरे की झुर्रियाँ मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाती हैं। सफ़ेद आटा मैदे के मसाइल को बढ़ाता है, आंतों की बीमारी का बायस बनता है। हमेशा कब्ज़ से निजात चाहते हैं तो अपने खानों में काली मिर्च का इस्तेमाल करें। तौबा एक ऐसा दरवाज़ा है जो मौत की आखिरी इचकी तक भी खुला रहता है। नाजरीन, अगर बुखार ना टूट रहा हो तो मरीज़ को गुड़ वाला पानी पिला दें, बुखार 1 घंटे में टूट जाएगा। दुआ एक ऐसा अमल है जो किस्मत को मार देता है। ज़मीर एक ऐसा साथी है जो हमेशा हक की राह पर दिखाई देता है। अगर खाना खाकर फौरी सो जाएं तो पेट की बहुत सी बीमारियां आपको घेर लेंगी। जोड़ों का दर्द हो या टांगों का दर्द, जैतून के तेल में 1 दाना कलवंजी मिलाकर मालिश करें, 5 मिनट में आराम आ जाएगा। अगर मोटा होना चाहते हैं तो रात को रोटी दूध में भगो कर रख दें, सुबह नहार मुँह खा लें, चंद दिनों में मोटा होना शुरू हो जाएंगे। खाना खाने के बाद 1.5 घंटे तक नहीं सोना चाहिए, इससे पेट की बीमारी नहीं होगी। बदन का ढीलापन दूर करने के लिए 5 खजूरें रोज़ाना खाएं। बदन कमज़ोरी दूर करने के लिए खजूर का इस्तेमाल करें। सरसों का तेल अगर नाक में डाला जाए तो इससे बालों की खुश्की दूर होगी, चेहरा चमकदार हो जाएगा, हाजमा बेहतर बनाता है, नज़र में बेहतरी होगी, जोड़ों के दर्द के लिए मुफीद है। अगर सरसों के तेल से पाँव की मालिश की जाए तो ना कमर झुकेगी, ना जोड़ों में दर्द होगा, ना सर का दर्द होगा, ना दांत का दर्द होगा और ना ही जल्दी बढ़ापा आएगा। सोते वक्त अपने पाँव के तलवों पर तेल लगाया करो, बस यही अमल शफा और फिटनेस का जरिया है। जबड़ों में दर्द रहता है तो मलट्ठी खा लें, मलट्ठी चबाने से दांत सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। चाय जोड़ों के दर्द में इजाफा करती है। एलर्जी में अदरक की चाय बनाकर पीना बेहद फ़ायदेमंद है। अदरक की चाय पीने से जोड़ हड्डियां मजबूत होते हैं, जिसमें एलर्जी भी दूर हो जाती है। शहद को अंडे और गाजर के साथ इस्तेमाल करने से कमज़ोरी और थकावट का खात्मा हो जाता है। कच्चा प्याज खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। कमज़ोर हाजमे वाले लोगों के लिए केला बहुत ही नुकसानदेह है। लहसुन पर थोड़ा सा नमक लगाकर खाने से सर दर्द में आराम मिलता है। नहारमो जीरे के इस्तेमाल से गुर्दे साफ हो जाते हैं। सोने से पहले थोड़ी देर चहलकदमी करने से दिल की बीमारियां नहीं होती। नाजरीन,
गाजर खाकर दूध पीने से अकल में इजाफा होता है। चकंदर खाने से दिमाग की रगें मजबूत होती हैं। जिगर की खराबी में फालसे का इस्तेमाल बेहद फ़ायदेमंद है। अगर बत्ती घर में जला लो घर से नहुसत हमेशा के लिए चली जाएगी। अगर जिस्मानी कमज़ोरी है तो कुछ खजूरें दूध में पका कर खा लें और दूध पी लें। पाँव में दर्द है तो जैतून का तेल लगाएं। गला ख़राब है आवाज़ ना निकल रही हो तो कच्चा अमरूद जला कर खा लें। औरतों के महसूस अयाम में बाकायदगी से खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए। कच्चे सेब के साथ शहद चाट लेने से इंसान की जिल्द टाइट रहती है। चेहरे का मेकअप उतारने के लिए ब्लीच या क्रीम की बजाय दूध का इस्तेमाल करें। इससे चेहरे की मैल भी निकल जाएगी और जिल्द भी नरम व मुलायम महसूस होगी। सर में खुश्की बहुत ज़्यादा होती है तो मुल्तानी मिट्टी पानी में मिक्स करें और सर पर लगा दें। नाजरीन, सर की खुश्की बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जिस घर में जानवरों की तस्वीरें लटकी हैं इस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जिस घर में फजूल खर्ची की जाती है वहाँ दौलत की तंगी आती है। एलर्जी का मसला होने लगे तो दही के अंदर खीरा डालकर खा जाओ, हर किस्म की एलर्जी से निजात मिल जाएगी। ज़्यादा गर्म पानी से मुंह धोने से चेहरे की जिल्द भूरी हो जाती है। हमेशा अपना मुंह नीम गर्म पानी से धोना चाहिए, जिल्द अच्छी रहेगी। खाने पीने की कोई भी अशिया ज़्यादा गर्म प्लास्टिक के बर्तन में मत डालें, इससे कैंसर होने का खतरा होता है। हाथों से कपड़े धोने से डिप्रेशन दूर होता है, वज़न कम होता है। लौंग के दाने पानी में उबालकर कुल्ली करने से दांतों और मसूड़ों का इन्फेक्शन दूर हो जाता है। ज़्यादा बोलने वाला बंदा कम अकल होता है। अगर जिस्म में जलन हो तो मेहंदी के पत्तों को पीसकर जलन वाली जगह पर लगा दें, इंशाल्लाह फाका होगा। जो औरतें रात को देर से सोती हैं वो जल्दी बूढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। नाजरीन, जो औरतें रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर किसी अच्छे ऑयल से मसाज करती हैं इनके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती और इनकी जिल्द हमेशा तरोताज़ा और जवान रहती है। ब्लड प्रेशर कम होने की सूरत में मरीज़ को बिठाकर पानी पिलाएं और कोई नमकीन चीज़ खिलाएं। मछली का तेल इस्तेमाल करने से सांस की तकलीफ़ दूर होती है। जब माहवारी आए तो मटर के दाने खा लो। अगर चाहती हो कि जवानी वापस लौट आए तो नहार मुँह सेब का रस पी लो। मोटी औरत नाक में लींबू का रस डाले तो एक हफ्ते में वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। रात को दूध पीकर सोने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। मक्खन को ठंडा करके एक चम्मच खा लेने से बदन को गर्मी नहीं लगती। दो में ज़्यादा देर बैठा करें, दिमाग रोशन रहेगा। नाजरीन, नीम के दरख्त की टहनी से दांत साफ करो, दिमाग तेज़ होगा। दिन को किताब पढ़ने से याददाश्त तेज़ होती है। बैंगन का सालन खाने से पेशाब खुलकर आएगा। जो औरतें बूढ़ी खवातीन से मेलजोल रखती हैं इनकी जहानत में इजाफा होता है। जिस घर में शादी के लिए रिश्ते काम आते हैं इस घर की छत पर परिंदों के लिए ताज़ा पानी रख दिया करो। दही खाने से जिल्द तरोताज़ा और चमकदार रहती हैं। रोज़ाना नहार मुँह मछली खाने से 17 साल जैसी ताकत वापस आ जाती है। बाजरे की रोटी खाओ, जवानी वापस लौट आएगी। खड़े होकर खाना खाने से रिजक तंग होता है। खड़े होकर कंघा करने से नहुसत आती है। नाजरीन, अंगूर को नमक लगाकर खाने से फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। दिल की बीमारी से बचना चाहती हैं तो सुबह शाम सैर करें, मुर्ग गज़ाओं से परहेज़ करें। एलोवेरा का गोदा सुबह शाम चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर होते हैं। पाँव के तलवे जलते हैं, सुबह शाम एलोवेरा का गूदा तलवों पर लगा लें। नज़र बेहतर बनाने के लिए 7 बादाम और आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच मिश्री के साथ रोज़ाना खाएं। पलकें लंबी करनी है तो जैतून का तेल इस्तेमाल करें। पेट में दर्द हो तो पुदीने के पत्ते चबा लें। सर में बालों की खुश्की के लिए सरसों के तेल में अंडे की सफ़ेदी दही में मिलाकर 1 घंटे के लिए लगा दें, फिर बालों को बाद में धो दें। पाँव में दर्द है तो जैतून के तेल से मालिश करें। चोट लगे तो खून को रोकने के लिए नारियल के तेल में रुई को डुबोकर मुतासरा जगह पर लगा दें। आटे में देसी घी और हल्दी शामिल करके चेहरे पर लगाने से चेहरे की शाइयाँ और झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं, चेहरे की जिल्द साफ नज़र आती हैं। नाजरीन, जो लोग नरम दिल के होते हैं वो जल्दी रो पड़ते हैं। ज़ीरा नहार मुँह खजूर के साथ खाने से चेहरा हमेशा जवान रहता है। मछली खाने से इंसान की जिल्द चमकदार होती है। वज़न कम करना चाहते हैं तो ऐसे अफराद 2 चीज़ों का इस्तेमाल करें, लींबू और खीरा। कानों में तुलसी के पत्तों का रस निकालकर 1 कतरा डालने से कानों का दर्द और बहरापन का मसला दूर हो जाएगा। बारीक बालों को घना करने के लिए प्याज का गूदा बालों में लगाएं। नाजरीन, गाजर का गजरेला खाएं, मैदा साफ़ सुथरा होगा और नज़र उल्लू जैसी तेज़ हो जाएगी। कान में जैतून का तेल नीम गर्म डालो, कान बहरे नहीं होंगे। बिल्ली को गोद में ज़्यादा देर रखोगे तो मैदे की गर्मी ख़त्म हो जाएगी। आंसू को पी लिया करो, कभी कब्ज़ की शिकायत नहीं होगी। बेरी का तेल सर पर लगाना, बाल गिरना ख़त्म हो जाएंगे। पानी पीकर फौरी सोने से दिमाग को नुकसान पहुँचता है।
ज़्यादा शैम्पू के इस्तेमाल से औरतों के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं और डिप्रेशन जैसी बीमारी जन्म लेती हैं। आपको चाहिए कि चबाने वाले फल ज़्यादा खाएं, इससे ना सिर्फ आपके मुंह की वर्जिश होगी बल्कि दांत भी चमकदार हो जाएंगी। सरसों के तेल में मेथी दाना मिक्स करके बालों में लगाने से बाल मजबूत और घने होते हैं। कच्चा नारियल खाने से बदहजमी पैदा होती है। अमरूद खाने के बाद जल्दी पानी मत पिए वरना हैजा होने का खदशा है। जुम्मे के दिन नाखून काटने से हर बीमारी में शफा मिलती है। अचानक बुखार हो जाए तो मेथी का पानी पीने से बुखार फौरी तौर पर दूर हो जाएगा। मेहनत और बर्दाश्त कामयाबी की कुंजी है। नमक और शहद से दांत साफ करें, दांत चमक उठेंगे। नाजरीन, रात को सोते वक्त 2 अदद हरीड़ का मुरब्बा नीम गर्म दूध के साथ खा लें, जोड़ों के दर्द से निजात मिलेगी। चेहरे की झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए नींबू के रस को चेहरे पर लगाएं, तकरीबन आधे घंटे के बाद चेहरे को धो लें। बर्तनों पर नमक लगाकर चकनाहट वाले बर्तन धोएं, चकनाहट दूर हो जाएगी। जो बंदा ज़्यादा पैदल सफ़र करता है इसके हाथ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। 1 गिलास पानी के अंदर सौंफ के तेल के चंद कतरे शामिल करके पी लो, मोटापा चंद दिनों में नज़र भी नहीं आएगा। अपने बच्चों को जेब खर्च से कुछ हिस्सा सदका करने का ज़रूर बोलें ताकि उम्र भर इनकी आमदनी का कुछ हिस्सा सदके की आदत पड़ जाए और वो आपके लिए सदका जारिया बन जाए। पानी पीकर पेशाब करो, मसाना कभी कमज़ोर नहीं होगा। नाजरीन, चावलों के बरौनी छिलकों को पानी में जोश देकर इस पानी से गुसल करने से हर किस्म की खारिश से निजात मिल जाती है। जो औरतें दुबली पतली और स्मार्ट होना चाहती हैं तो देसी अजवाइन 50 ग्राम, अलसी के बीज 100 ग्राम, जीरा सफ़ेद 50 ग्राम तवे पर हल्के गर्म करके इन तमाम चीज़ों को अलग अलग पीस लें। 1 चम्मच सुबह नीम गर्म पानी के साथ और रात को खाने के बाद इस्तेमाल करें। इसके बाद कुछ ना खाएं और सो जाएं। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों से आपका वज़न और पेट कम हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर के लोग डॉक्टर के मशवरे से ये नुस्खा इस्तेमाल करें। जो पानी धूप की वजह से गर्म हो इसके इस्तेमाल करने से बर्स की बीमारी होती है। अगर तुम हमेशा अपनी जवानी बरकरार रखना चाहती हो तो सुबह को आँख खुलते ही गर्म पानी में खजूर का दाना भिगो कर मुँह में डाल लिया करो। पित्ते की पथरी होने की सूरत में गाजर और सलाद के पत्तों का रस पिएं। सुबह नहार मुँह लहसुन के 2 जुए 1 कप नींबू के कावे के साथ खा लें, पेट की चर्बी कम होने लगेगी। सूखे धनिए की पक्की बनाकर चाट लेने से खांसी रुक जाती है। याद रखें, जिन लोगों के पाँव पर शुगर की वजह से ज़ख्म हो जाएं, शुगर मसलसल कम ज़्यादा होने लगे तो गंदम की रोटी खाना बंद कर दें। जौ का आटा पसवा लें, इस आटे की रोटी खाएँ। 6 माह से कबल बच्चों को कोई ठोस गज़ा मत खिलाएं। आस्ता आस्ता हल्की फुल्की गज़ा देना शुरू करें, मसलन सूजी की खीर, कुचला हुआ आलू, दलिया, हड्डियों की जखनी, हाफ बॉयल अंडा और दही। रोज़ाना हरा सेब खाने से जिल्द ताज़ा रहती है। जिन लोगों के मुंह में अक्सर छाले हो जाते हैं वो खाने के बाद सौंफ का इस्तेमाल करें। रात के वक्त दूध पीकर सोना नहीं चाहिए क्योंकि फौरी सो जाने से दूध हजम नहीं होता, इससे पेट में तकलीफ हो सकती है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरने लगे हैं तो नारियल का तेल इस्तेमाल करने से आपके बाल गिरना कुछ ही दिनों में बंद हो जाएंगी। कैंसर के मरीजों के लिए आम का फल इस्तेमाल करें। खून की कमी के मरीज अनार खाएं। दोपहर को सलाद प्याज का इस्तेमाल करना मुफीद है। खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लेने से सांस की नाली साफ़ हो जाती है। चाय के पानी को ज़्यादा मत पकाएं, इससे चाय का जायका बदमज़ा हो जाएगा। अगर हाथ जल जाए तो मुतासर जगह पर आलू का कतरा काट कर रख दें। नाजरीन, अगर घर में नीम या नींबू का पौधा हो तो बहुत सी बीमारियां घर में नहीं आती, कीड़े मकोड़े और मच्छर वगैरह भी नहीं आते। इमली का शरबत पीने से गर्मियों में गर्मी नहीं लगती, इससे पसीना भी कम आता है। पैरों के बल ज़मीन पर बैठने से पेट बाहर निकल आता है। हल्दी को दूध में शामिल करके पीने से आराम दर्द से आराम मिलता है। एलर्जी का मसला हो तो फौरन दही के अंदर खीरा डालकर खा लो। अंजीर खाने से वज़न कम होता है। वज़ू करके सोने से बरकत होगी। कब्ज़ का मसला है तो मक्खन में ज़ीरा डालकर खा लो, कब्ज़ खुल जाएगी। चावल खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। रोज़ाना अंगूर खाने से और अंगूर का रस चेहरे पर लगाने से जिल्द चमक जाती है, खून की कमी पूरी होती है, जिससे खून के नए सेल्स बनना शुरू हो जाती हैं। शहद की मक्खी काट ले तो प्याज का रस मुतासरा जगह पर लगाएं, सूजन नहीं होगी। नबीना अफराद हमारी तरह ख्वाब नहीं देखते, अमरूद के पत्ते चबाने से दांत साफ हो जाते हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।